एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस डरावने फेस के बारे में जो कि हर एक ट्रेडर की लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में भी आया, प्लस आप लोग ये भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि भाई आप लोग जो है उस फेस से कैसे रिकवर कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि भाई बड़े लॉसेस कैसे हुए, मेरा बड़ा लॉस हुआ आप लोगों को पता था, लगभग 2 लाख के करीब का लॉस हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें सीखना होता है, फिर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की फिर मैंने सीखा। तो ये चीज जो है ये गलत है। यहीं से ही आपका पहला पॉइंट बनता है कि पहले आप लोगों को सीखना है, फिर पैसे जो है ट्रेड्स में लगाने हैं, फिर आपको ट्रेड लेनी है, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ। फिर मेरे साथ क्या हुआ, दूसरी चीज अगर हम लोग देखें कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई धीरे धीरे सीखते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही कि हाँ आप लोग जो है 2 दिन में ही अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। धीरे धीरे चीजें लेती हैं, सीखने के लिए लेती हैं, उसी चक्कर में हमारे लॉसेस भी बढ़ते जाते हैं। लॉसेस बढ़ेंगे तो और क्या होगा, लॉसेस बढ़ेंगे तो फिर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लॉसेस में कन्वर्ट होने लग गए। तो प्रॉफिट जो है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गए तो बड़े लॉसेस होने लग गए। मंथली भी अगर मैं देखती थी तो भी मेरा एक बड़ा लॉस होता था। तो उसका क्या हुआ, उसका एक प्रेशर क्रिएट हुआ मेरे ऊपर कि भाई इतने बड़े लॉसेस हो गए तो मैं क्या करूं। यहाँ पे इस फेस के अंदर काफी सारे लोग होते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी, इसीलिए आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने उस वक्त क्या किया, मैंने जो है अपना माइंडसेट बनाया कि नहीं, मैं मार्केट में क्यों आई थी, क्या मैं 2-3 लाख लेने के लिए आई थी मार्केट में? नहीं, मैं करोड़ों लेने के लिए आई थी। तो इसीलिए मैंने अपने माइंडसेट को फिर से रिफ्रेश किया, दोबारा से शुरू किया मार्केट में। दोबारा से शुरू करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग की छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ, जो कि मेरे पास अब भी कमेंट्स आते हैं कि मैम हम आपको पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि आप रेगुलरली सिर्फ 500 और 1000 कमा रहे हो। 500 और 1000 कमा रही हूँ, लेकिन आप एक बार कंसिस्टेंसी तो देखिए कि भाई रेगुलरली ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 500 और 1000 ले रही हूँ एक दिन में और फिर अगले 2-3 दिनों में मैं 2-3 हजार जो है वो लॉस करवा रही हूँ। क्या आप लोग मेरे फ्रेम में कहीं पे पेड़ दिख रहा है? नहीं, कोई भी मेरे पास पैसे का पेड़ नहीं है कि भाई मैं पैसे तोड़ रही हूँ उससे, मार्केट में लगा रही हूँ, या फिर मैं कहीं और कोई सोर्स नहीं है मेरे पास जहां से मेरे पास पैसे आ रहे हैं और फिर मैं मार्केट में लगा रही हूँ कि भाई मैं लॉसेस भी करवा रही हूँ और वही 2-3 हजार प्रॉफिट में मार्केट से ले रही हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यू हैं, और जो कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर देख भी पा रहे हैं, अगर आप अभी नए हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियोस में कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यू है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार में ही मैंने जो है अपने प्रॉफिट्स ले लिए हों या फिर लॉसेस ले लिए हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने बड़े प्रॉफिट्स जो है उनको साइड में रखना है। आप लोगों को नहीं देखना है स्टार्टिंग में आते कि भाई वो 2 लाख कमा रहा है तो मैं भी 2 लाख कमाऊं। नहीं, आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट से स्टार्ट कीजिए, फिर एक टाइम पे आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, प्लस आप लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि भाई अगर हम बड़ी कैपिटल लेंगे तो ही हम जो है एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो चीज भी नहीं है। हमें क्या करना है, आप लोग जो है 25 से 30 हजार की कैपिटल के साथ भी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं आप मार्केट से। तो आप लोग छोटी कैपिटल के साथ आइए, उससे क्या होगा, आपके लॉसेस भी ज्यादा नहीं होंगे ना लॉसेस बड़े होंगे आपके। तो आप लोगों को यही चीज ध्यान में रखनी है, छोटी कैपिटल के साथ आएंगे तो छोटा लॉस होगा, और जो आप बड़े लॉसेस जो फेज हमारे मेरी जो लाइफ में आया उससे आप लोग बच सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात बताती हूँ आप लोगों की कौन सी जो पॉइंट्स हैं जिनसे आप लोग बच सकते हैं एक बड़ा लॉस से। तो पहला जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो लॉस है, दिन का लॉस है, वो कितना होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये बात सीमित किया हुआ है कि हाँ हमारा दिन का लॉस सिर्फ 500 रुपये होना चाहिए, तो उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, वहीं पर ही मार्केट को आप बंद कर दीजिए। अगर वो आपने फिक्स नहीं रखा है तो फिर आप जो है एक ही दिन में पूरी कैपिटल भी उड़ा सकते हैं मार्केट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों को स्मॉल प्रॉफिट्स रखने हैं। स्मॉल प्रॉफिट्स में आप लोगों को क्या देखेंगे कि आप लोगों को बड़े प्रॉफिट्स की साइड नहीं भागना है। अगर आप वहां भागेंगे तो जो आप छोटा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं वो भी नहीं कमाएंगे, ना बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, फिर आप एक लॉस लेके बैठेंगे। उससे बढ़िया है कि आप छोटा प्रॉफिट लीजिए, खुश रहिए। तीसरी चीज आती है हमारे यहाँ पे कि आप लोगों को जो है जो आपके लॉस है वो भी छोटे रखने हैं।
लॉस छोटे रखने हैं, लॉसेस को आपका बड़ा नहीं रखना है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि भाई वो लॉसेस भी बड़े रखते हैं और फिर वो अपने जो प्रॉफिट्स है वो छोटे रख लेते हैं। तो क्या मतलब है, अगर आपने 1000 रुपए कमाए जिसमें से 1500 रुपए आपने अगले दिन गंवा दिए तो आप एट द एंड तो लॉस में ही हो ना। तो वो चीज हमें नहीं करनी है। आप लोगों को कंटिन्यू रखना है मार्केट में तो फिर आप लोगों को इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।